सिंगरौली कांग्रेस ने अपने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच हो, यदि जांच नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सिंगरौली के विकास के लिए आए हुए पैसों को दूसरे जिलों के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। यहाँ की जनता बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ना मिलने को लेकर परेशान है। अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि यहाँ की जनता सर पर घड़े रखकर दूर से पानी लाती है, फिर भी इन भाजपाइयों की आंखों में शर्म का पानी नहीं आता है। इनके देखते ही देखते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड सिंगरौली से छिन गया। देखिए, आज धरना था, सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, और सही बात यह है कि कलेक्ट्रेट के पास धरना करना था, कलेक्ट्रेट के पास जगह एकदम है ही नहीं, और इतनी भीषण गर्मी में आज पदाधिकारियों को हजारों लोग आज उपस्थित हुए, और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, यहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर भी उसमें दिया है, अभी उसमें 15 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे, और बड़े आंदोलन आपके माध्यम से प्रशासन को भी चेता रहा हूँ कि बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी। देखिए, यहाँ पे DMF का फंड सांसद जी, विधायक जी के आँख के सामने यहाँ से चला गया, और उनसे बात करो तो कुछ जवाब नहीं देते। जहाँ पे हैंडपम्प खनन भी हो रहे हैं, तो मैं ये आरोप लगाता हूँ आपको, जो क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, एक एक हैंडपम्प खनन पे 5,000-5,000 रुपये लिया जा रहा है, और जो 5,000 रुपये दे रहा है वहीं पे खनन हो रहा है। जो गरीब आदिवासी SC के लोग हैं उनके जगहों पर नहीं लिया जा रहा है। आप चले जाएं खटखरिया में, पानी का लोग पानी आज भी नाले से पी रहे हैं, इसी तरह से नैनियागढ़ में लोग नाले से पानी पी रहे हैं। ये आज भी सिंगरौली के नाक के नीचे जहाँ पे हजारों करोड़ रुपये फंड आता हो DMF का, और वहाँ की जनता पानी के बगैर, बिजली के बगैर हो, कितनी बड़ी दुर्दशा। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हमारा प्रदेश की समस्याओं को लेकर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तो अब न मंदिर सुरक्षित रह गया है, न मंत्रालय सुरक्षित रह गया है, और न मतदाता सुरक्षित है, नोट भी सुरक्षित नहीं है। तो जब कोई सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस के पास क्या रास्ता है? हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर हमारे मांगों का सही समय पर निराकरण नहीं हुआ तो हम इससे बड़ा भी धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री बंसी मंडी वर्मा ने कहा कि कुछ दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी बहनों के लिए 1500 रुपये महीने देगी। हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुखिया कमलनाथ के निर्देशानुसार हम लोग जगह जगह जाकर महिलाओं का फॉर्म भरवा रहे हैं। नारी शक्ति भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मुद्दा प्रदेश व्यापी है। ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम दिया गया है, ये प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसके पालन है। लेकिन हम तो सिंगरौली की बात अगर करें तो सिंगरौली चाहे नगर निगम क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ जितनी समस्याएं हैं उनकी अगर वर्णन किया जाए तो 2-4 हज़ार कागज खर्च हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा समस्या है, और उस समस्या के निराकरण धरना प्रदर्शन में हम लोग आंदोलन करेंगे, चकाजाम करेंगे, आमरण अनशन पर भी जरूरत पड़ेगी तो बैठेंगे। और कांग्रेस पार्टी न कहीं गुटबाजी है न कहीं विरोधाभास है, पूरी कांग्रेस एक साथ है। आगामी चार महीने बाद जो मध्य प्रदेश में चुनाव होगा उसमें हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने 15-20 वर्षों में किया है उन सारे भ्रष्टाचारों की जांच होगी, और पता नहीं कितने नेता मुख्यमंत्री जेल के अंदर होंगे, ये मैं आपके सामने वचन दे रहा हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।